बच्चों मीटिंग एंड हो गई थी, चले हम लोग पढ़ रहे थे या स्टार्ट कर रहे थे। हाँ मैम आपने बिब्लियोग्राफिया क्या बताया? बच्चों मैं उसी पे ही आने लगी। बच्चों मैं बिब्लियोग्राफी में ये बता रही थी, एक मिनट मुझे ना जरा ये ऐड कर लेने दें लोगों मैम ये डिस्पुटिंग इंटरनेशनल बिलीफ का भी एक दफा बता दें दोबारा। दीदी, मैं उसको भी बता देती हूँ, एक मिनट बच्चों को। हिंगा नहीं हुई आज? जी बच्चों क्या बातें कर रहे हैं आप लोग, मैं जरा इनको ऐड कर लूं। अच्छा बच्चों, बिब्लियोग्राफी के बारे में मैं ये बता रही थी, बिब्लो आई हैं बच्चों, हिना भी आई हैं। बिब्लियोग्राफी के बारे में हम ये बता रहे थे कि सीबीटी और हम लोगों ने आरईबीटी भी पढ़ा था ना इससे पहले। सीबीटी से पहले अगर आपको याद हो कि जब हमारा लेक्चर होता था व्हाट्सएप पे, मैं आपके साथ शेयर करती थी और उसमें से बहुत सी चीजें हम आरईबीटी की पढ़ चुके थे क्लास में। तो सीबीटी और आरईबीटी में एक चीज है कि हम लोग क्या करते हैं कि क्लाइंट को ये कह देते हैं एज अ बिब्लियोग्राफी के वो हम लोग एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस की एक लिस्ट बना रहे होते हैं, और क्लाइंट से कह रहे होते हैं कि अगर उस सिचुएशन से रिलेटेड जैसे लिस्टिंग एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। आप अपना सॉरी माइक कह रही हूँ, कैमरा कह रही हूँ, माइक ना म्यूट कर लिया करें अगर कोई घर में कोई बात होती है बाद में। मैंने इस वजह से नहीं करती कि शायद आपने कुछ पूछना हो। अच्छा, बिब्लियोग्राफी के बारे में बच्चों हम लोग बात कर रहे थे कि बिब्लियोग्राफी में हम लोग ये कर रहे होते हैं कि हम लोग डिफरेंट जो फॉर एग्जांपल क्लाइंट्स की कही हुई बहुत सी बातें हैं जो कि हमें लग रहा होता है कि वो ना तो डिसफंक्शनल थॉट रिकॉर्ड में अब अप्लाई हो रही हैं, ना ही वो हमारे कंसेप्चुलाइजेशन डायग्राम में आ रही हैं, हम मतलब वो कहीं पे भी फिट नहीं हो रही, तो हम उनकी एक अलग से लिस्ट बनाते जा रहे हैं। उस लिस्ट का क्या फायदा होता है कि हमें ये पता चल रहा होता है कि ये लिस्ट अब हेल्पफुल होगी कि अगर हमें कोई क्लाइंट से ऐसी बात पूछनी है कि जो वो नहीं हमें बता रहा, ठीक है, वो हमें बता नहीं पा रहा, और ये ऐसी बात थी जो कि उसके डिसफंक्शनल थॉट रिकॉर्ड में भी नहीं आ रही, उसके इरेशनल बिलीफ में भी नहीं आ रही, और हमें लग रहा है कि ये अलग ही बात है जो हम लोगों ने इडियोसिंक्रेटिक वाला पढ़ा था ना उसी से रिलेट कर रहा होता है ये भी, और चेंजिंग वंस लैंग्वेज भी। तो वहां पे हम एक लिस्ट बनाते हैं, जिस लिस्ट पे जब तक हम लोग इरेशनल बिलीफ से वर्क कर चुके होते हैं, हम लोग क्लाइंट्स के बहुत से स्कीमास पे वर्क कर चुके होते हैं, अब हमें लग रहा होता है कि अब इन चीजों पे वर्क हो गया है और क्लाइंट ने उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लिया है, तो हम अब नेक्स्ट लेवल पे चले गए, तो वहां पे फिर हम बिब्लियोग्राफी की तरफ चले जाते हैं। अब ये जो चीजें रह गई हैं जो कि कहीं पे भी फिट नहीं आ रही थी, अब हमारा इन पे काम स्टार्ट होगा। क्लियर हुआ है बच्चों? मैम ये स्टार्टिंग में आपने क्या बोला था वो नहीं क्लियर हुआ। स्टार्टिंग में ये डिस्प्यूटिंग इरेशनल बिलीव्स, मैम नो मैम ये यस मैम ये भी बता बिब्लियोग्राफी दें का जो आपने मैम, बताया था ना। अच्छा बच्चों बिब्लियोग्राफी बिब्लियोग्राफी में स्टार्टिंग मैं ये कह रही थी कि फॉर एग्जांपल आपके पास क्लाइंट आया, इंटरव्यू हो गया, आपके पास सारी उसकी नॉलेज आ गई, आपको सब कुछ पता चल गया, अब आप उसकी लिस्ट बना रहे हैं। जैसे हम लोगों ने एक डिसफंक्शनल थॉट रिकॉर्ड वाली शीट बनाई थी, चलें जी आपके पास वो शीट भी बन गई है, आपने उनको भी नंबर दे दिया कि ये चीजें उसकी डिसफंक्शनल थॉट रिकॉर्ड की हैं और ये उसकी डिस्प्यूटिंग इरेशनल बिलीव्स हैं, इरेशनल बिलीव्स हैं या कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं या स्कीमास हैं, मैलएडेप्टिव, उनको आपने अलग कर लिया। अब कॉग्निटिव कंसेप्चुलाइजेशन डायग्राम है आपने वो भी बना लिया, तो अब कुछ चीजें कुछ बातें क्लाइंट की कही हुई है, कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिस पे क्लाइंट ने एक लम्हे के लिए या एक दो मिनट के लिए बात तो की है लेकिन उन चीजों पे उसने ज्यादा फोकस नहीं किया, लेकिन आपको लग रहा है कि वो चीजें भी कहीं ना कहीं पॉसिबल है कि वो चीजें भी उसके लिए प्रॉब्लमेटिक बन रही हैं, तो वहां पे आप उन चीजों की एक लिस्ट बना रहे हैं, वो लिस्ट एक्चुअली आपकी एक बिब्लियोग्राफी की लिस्ट बन जाती है, ठीक है।
फिर जब हम फॉर एग्जाम्पल उसके इरेशनल बिलीव्स पे काम कर चुके हैं, हम उसके डिसफंक्शनल थॉट रिकॉर्ड वाली शीट पे भी काम कर चुके हैं, तो हमारा नेक्स्ट लेवल क्या होता है कि अब हमने जो ये बातें हैं, जो ये चीजें हैं जिनको क्लाइंट ने बिल्कुल अलग रखा हुआ था, अब हमने इन पे वर्क करना है, फिर हमारा वर्क उनकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। क्लियर हो गया बच्चों? यस मैम, ये फर्स्ट वाला कर दें। डिस्प्यूटिंग इरेशनल बिलीव्स है, जो कि मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया हुआ था, सॉरी असाइनमेंट टाइप दिया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने आज बात करनी थी। चले टाइम हुआ तो कर लेंगे, नहीं तो इंशाल्लाह ताला कल के लेक्चर में सबसे पहले हम उसको देखेंगे, बाद में नेक्स्ट आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डिस्प्यूटिंग इरेशनल बिलीव्स में क्या होता है कि उसके इरेशनल बिलीव्स हैं। इरेशनल बिलीव्स अब बने किस वजह से थे? कोई ना कोई इवेंट हुआ होगा ना, कुछ ना कुछ उसके साथ हुआ होगा, वो इवेंट्स आपने उससे करवाने हैं, उन इवेंट्स के लिहाज से वो इरेशनल बिलीव्स है उसकी, जिसकी उसके पास कोई लॉजिक नहीं थी, या वो लॉजिक तो दे रहा था आपको, लेकिन एज एन एक्सपर्ट आपको पता था कि वो लॉजिक एक्चुअली बिल्कुल भी रेशनल नहीं है, इलॉजिकल बातें बोल रहा है। और उन इरेशनल बिलीव्स की वजह से क्या क्या कंसिक्वेंसेज आए थे? कंसिक्वेंसेज मीन्स कि उसने क्या क्या बिहेवियर शो किया था। वो सैड हुआ था, वो रोने लग गया था, उसे दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया था, खाना पीना छोड़ दिया था, या कुछ भी था। ठीक है, अब नेक्स्ट है, आपको बिलीव्स पता चल गए हैं, आपको एक्टिवेटिंग इवेंट्स पता चल गए हैं, कंसिक्वेंसेस पता चल गए हैं। अब अगला स्टेप क्या है? उनको डिस्प्यूट कैसे करना है? डिस्प्यूट करने के लिए जो हम लोगों ने डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे, जिसमें था सोक्रेटिक डायलॉग आप यूज कर सकते हैं, आप लोग थ्री क्वेश्चन टेक्निक यूज कर सकते हैं, आप गाइडेड डिस्कवरी यूज कर सकते हैं, और इरेशनल बिलीफ के लिहाज से जो क्वेश्चंस की लिस्ट बकायदा दी हुई थी उन लोगों ने, अगर आपको याद हो, मतलब आपको जो मैंने असाइनमेंट दी है वहां पर वो क्वेश्चंस भी बकायदा लिखे हुए हैं, तो वो क्वेश्चन के आप उससे पूछेंगे आपके पास एविडेंस क्या है अपने इस बिलीफ का। चलें वो एविडेंस के तौर पे कह देगा जी ये वाला इवेंट जो है ना ये एविडेंस है। ठीक है, अब आप उसे ये नहीं कहेंगे इवेंट गलत है एकदम से। फिर आप पूछेंगे तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके साथ इस सिचुएशन में कोई और पर्सन होता या मैं होता तो मैं भी क्या यही सोचता? अब वहां पे हो सकता है क्लाइंट कहे नहीं आप तो ये हैं, मतलब आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं या आपको सब कुछ पता है, आप तो ऐसा ना सोचते। फिर आप उससे पूछेंगे अच्छा बताएं आपको क्या लगता है मैं क्या सोचता? अब आप वहां पे खुद उसको ये नहीं बताएंगे कि मैं ये फलां सोचता, उससे पूछेंगे कि आप क्या सोचते। तो क्लाइंट हो सकता है कोई ना कोई स्टेटमेंट बना के आपको बताए, वो स्टेटमेंट वो बना रहा है, वो ऐसी स्टेटमेंट तब बता रहा होगा जो कि वो अपनी फुली एक अच्छे से अपने सारी उस कमियों पर काबू पाने के बाद आपको बता रहे। तो फिर आप उन अब वहां पे क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता वही उसके जो बिलीव्स हैं वो डिस्प्यूट हो रहे। अब डिस्प्यूटिंग इरेशनल बिलीव्स भी एक दिन में नहीं हो जाते बच्चों, हमें एक्सरसाइज देना पड़ती है क्लाइंट को, बाज़ोकात उससे कुछ ना कुछ वर्क करवाना पड़ता है कि आपने अच्छा आप इस चीज को या ये वाली स्टेटमेंट या ये वाला वर्ड यूं बोलते हैं ना, आपने इसको यूं नहीं बोला, आपने इसको ट्राई किया। मैम अगर वो वहां पर ऑपोजिट स्टेटमेंट दे दे तो क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल वो आपको अगर वो कहे कि आप भी वही करेंगे जो मैंने किया तो आप क्या कहेंगे? जी फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्लाइंट आया ना पहले, जैसे मैंने पहले कहा कि आप अगर उससे कोई प्रूफ मांगेगे तो प्रूफ के तौर पे फौरन कह देगा जी ये देखें जो ये इंसिडेंट हुआ ये प्रूफ ही है। ठीक है, उसके बाद आप पूछ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अच्छा मैं होता मैं क्या करता, अगर क्लाइंट की मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर क्लाइंट फर्स्ट टाइम आया ना आपके पास, उसके बहुत ज्यादा हाई लेवल की अब उसकी जी वो प्रॉब्लम है, तो वहां पे वो फौरन ये भी कह सकते हैं आप भी यही करते जो मैंने कहा। अच्छा, आप उसे वहां पे ये नहीं कहेंगे कि मैं वहां पे नहीं मैं तो ये बिल्कुल ना करता या मैं ऐसा बिल्कुल ना करता, आप उससे ये पूछेंगे मतलब वहां पे उस चीज को पहले नहीं निगलेक्ट करते, तो वहां पे आप आहिस्ता आहिस्ता उन चीजों की तरफ उसे कैसे लेके आएंगे? चलें ठीक है, आपने कह दिया कि अच्छा मैं भी होता मैं वैसा करता, आपने ये भी कह दिया कि आपके पास ये प्रूफ है। अच्छा ये मुझे ये बताएं कि आपने इन चीजों को सीखा या इस चीज को, चलें आप थोड़ी देर के लिए ये सोचें कि उस सिचुएशन के या आपके इस तरह के बिलीफ के या आपके इस तरह के सोचने से आपको किस किस चीज में क्या क्या एडवांटेज हुआ। हो सकता है उसके पास अपने एडवांटेजेस की भी ढेर सारी लंबी चौड़ी लिस्ट पड़ी, फिर आप उससे पूछेंगे चलें ठीक है ये एडवांटेज है। अब आपको पता होगा सारा कि वो एडवांटेज वो इरेशनल एडवांटेज है जो कि उसने अपने आप को तसल्ली देने के लिए लिखे हुए। फिर आप उससे पूछेंगे अच्छा ये तो एडवांटेज है लेकिन हर सिचुएशन के कोई ना कोई एडवांटेज होता है तो उसका कोई ना कोई ड्रॉबैक भी तो होता है ना। अब आप बताएं आपको इस तरह सोचने से या आपकी थिंकिंग पैटर्न से आपको लगता है कि आपको लाइफ में कहीं ना कहीं किसी वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा है या आपको कोई ना कोई डिसएडवांटेज भी हुआ इस तरह से सोचने का? अब वहां पे जो बात वो सोच रहा होगा वो थोड़ी सी लॉजिकल हो जाएगी, क्योंकि अपने लिए तो उसने पहले इतनी स्टेटमेंट बनाई हुई थी ना। अब आप एक ऐसी स्टेटमेंट सोच रहे हैं जिसके बारे में हो सकता है उसने सोचा ही ना होगा, अब क्लाइंट सॉरी थेरेपिस्ट मुझसे इस तरह से बात करेगा, जब वो डिसएडवांटेजेस पे आना स्टार्ट होगा
तो वहीं पे आके बाजू का डिसएडवांटेज पे वो थोड़ी देर के लिए, एक दो सेकंड के लिए या कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो जाएगा। या हो सकता है आपसे ये कहे कि मैं आपको डिसएडवांटेजेस, फिर आप कहेंगे चले अच्छा अगर आप डिसएडवांटेजेस मुझे अभी नहीं बता सकते तो आप घर से लिख के ले आइएगा, सोच के आ जाइएगा। हो सकता है अगले दिन डिसएडवांटेजेस की भी आपके पास काफी लंबी चौड़ी लिस्ट ले आई, या उसी वक्त आपको ढेर सारे डिसएडवांटेजेस भी बता दें, फिर आप उससे पूछेंगे कि इन डिसएडवांटेजेस का देखें या इन डिसएडवांटेजेस के होने से आप एक दफा गौर करें कि आपको एडवांटेज ज्यादा हुआ है या डिसएडवांटेज ज्यादा हुआ। अब आप उसके सामने दोनों की लिस्ट रखेंगे और उसको थोड़ा सा एक होमवर्क देंगे, कॉग्निटिव होमवर्क जिसे हमने कहा है, कि आप घर जाके सोचें कि इस सिचुएशन को आप कह रहे हैं कि ये सिचुएशन आपको फायदा इस तरह से दे रही है और नुकसान इस तरह से दे रही है, तो आप एक दफा सोचें कि फायदा आपका ज्यादा सही है या नुकसान। हो सकता है जिसको वो नुकसान कह रहा है उसको नुकसान ना हो बल्कि वो उसका फायदा हो। तो वहां पे जब कंट्रोल क्वेश्चनिंग हो रही होती है ना, तो आपके पास अलग से कोई ना कोई उसको टैकल करने के लिए और भी बहुत सी चीजें होती हैं। आप इवन अगर सोक्रेटिक डायलॉग यूज कर रहे होंगे ना, वो तीसरे चौथे डायलॉग पे आके बिल्कुल चुप हो जाता है क्लाइंट, क्योंकि वो क्वेश्चन में उसको नहीं समझ आ रही होती है अब आगे कैसे बोलना। ठीक है बिलाल, क्लियर हुआ? मैम पॉसिबल है कि वो ये थोड़ा सा एग्जॉस्टिक पर्सनालिटी वाला बंदा हो, वो कहे कि ये सारे डिसएडवांटेजेस जो हैं वो मेरे इस एडवांटेज से, मतलब अगर मैं कंपेयर करूं तो ये एडवांटेज मेरे लिए ज्यादा है मैं इन डिसएडवांटेजेस से। देखो ना बच्चों, उसके लिए आपके पास वो आ किस वजह से रहा है, आप उसे, आप क्या सोच रहे हैं कि मतलब हम लोग ये नहीं कह सकते कि पहले दिन ही वो आपकी बात मान लेगा। हो सकता है अगले तीन दिन तक पहली बात तो ये है वो होमवर्क ही ना करे, वो उन चीजों की तरफ सोचने की तरफ जाए ही ना। लेकिन हम थेरेपी को तब शुरू करते हैं, आपने डायरेक्ट थेरेपी की तरफ तब जाना है जब आपको लग रहा हो आपकी रेपो बिल्डिंग बहुत अच्छी हो गई। अब रेपो बिल्डिंग से पहले, मतलब थेरेपी का कहने का मतलब है कि ये एक ऐसी थेरेपी है जो बकायदा अब आप एक स्टैंडर्ड वे में जा रहे हैं। लेकिन एक स्टैंडर्ड थेरेपी स्टार्ट करने से पहले, जब हम क्लाइंट के साथ इंटरव्यू कर रहे होते हैं, हमारी रेपो बिल्डिंग हो रही होती है, पहले जो भी आपकी कन्वर्सेशन हो रही है, सेशन हो रहे हैं दो तीन जिसमें आप सारा डाटा शेटा ले रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं आप अपनी थेरेपी शुरू कर चुके होते हैं। उस थेरेपी में क्या होता है कि आप क्लाइंट को अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड दे रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसे सिंपथेटिक अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, तो वहां पे क्लाइंट कहीं ना कहीं आपकी बातों को वैल्यू पहले ही देने लग जाता है। लेकिन नो डाउट क्लाइंट ऐसा भी होता है जो आके कह रहता है कि जी मुझे तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं है, मेरे लिए तो ये फायदे सबसे ज्यादा अहम है और तो मुझे कुछ इन चीजों से मिला ही नहीं है। लेकिन आपने एक ही दिन में डिस्प्यूटिंग इरेशनल बिलीफ नहीं कर देना, वो भी आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है आपको एक दो तीन सेशन के बाद, कोई और टेक्निक के बाद, या हो सकता है आप वहां पे सीबीडी को बिल्कुल छोड़ दें, आप वहां पे बिहेवियर थेरेपी की कोई ना कोई टेक्निक लें। आपके पास ढेर सारे, आपके पास तो पूरा आप कह सकते हैं कि एक बंच है ना, ढेर सारी थेरेपीज हैं आपके पास, हर थेरेपी अपने टाइम पे लेके आनी है। समझ आ रही है बच्चों? जी मैम। क्लियर हुआ है यहाँ तक? जी मैम। कुछ ना क्लियर हुआ हो इंशाल्लाह ताला हम उसे बच्चों दोबारा पूछ लीजिएगा, बल्कि इवन अब सर भी साथ साथ सीबीडी करवा रहे हैं, हो सकता है आपको बहुत सी चीजें वहां पे ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। बिब्लियोग्राफी की समझ आ गई थी बच्चों सबको? यस मैम। अब चेंजिंग वंस लैंग्वेज, इसका क्या मतलब है, क्या समझ आ रहा है, मतलब स्टेटमेंट से आप लोगों को क्या लग रहा है? चेंजिंग लेके आ रही है उसकी लैंग्वेज। अच्छा बच्चों एक मिनट, सॉरी मैं आप लोगों को इंटरप्ट कर रही हूँ, मुझे आपसे ये पूछना था कि इससे पहले वाली मीटिंग में कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है जो अब आया हो और इससे पहले ना हो? बीएस 8 जितने भी लोग प्रेजेंट हैं वो सब पहली वाली मीटिंग में भी प्रेजेंट थे? यस मैम प्रेजेंट थे, लेकिन मैम पहले 29 किया था तब भी। मैम मेरी फ्लाइट बंद हो गई थी, मैं अभी आई हूँ फिर से। कौन? रबिया 12002। यस मैम। जी जी रबिया, आपकी तो पहले लगा ली थी मैंने। मैम पहले मेरी लाइट ऑफ हुई थी, फिर पता नहीं आपने लगाई है। जी जी जब 29 पार्टिसिपेंट्स थे मैंने तब सबकी लगा ली थी एक दफा, उसके बाद 28 भी हुए थे, 27 भी हुए थे, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कोई अब तो नहीं आया। मैम स्किना अब आई है। स्किना अब आई है, चलें फिर मैं एक दफा ले लेती हूँ, एक मिनट बच्चों। अच्छा बच्चों आप किसके बाद कोई क्लास है? यस मैम दो क्लासेस हैं।
मेरी भी है, चले चेंजिंग वंस लैंग्वेज को जो फिर नेक्स्ट कल से स्टार्ट कर लें यहाँ से, क्योंकि मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है 4 बजे और 4 मिनट रह गए हैं। ओके मैम, चले बच्चों यहाँ से फिर हम कल स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो इसको कल क्लियर करेंगे, और आमना इंशाल्लाह ताला जो आपको असाइनमेंट दी थी वो भी हम कल डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।